मंदिर दृश्य जी मनोरम यार चतुर्पार्श्वे बेलाभूमि से आकर्षण हजार हजार संख्यार भक्त मैंने यठाक आसती जेहेतु एवं चली कार्तिकस कार्तिक मासर व्रत उपलक्ष्य हजार हजार भक्त यठाक आसुंच मंदिर बाबा धवलेश्वर को दर्शन एवं दर्शन करी सारापर निकट अति निकट रही बेलाभूमि जार सौंदर्य अति आकर्षण एवं यही बेलाभूमि को मध्य आसी से बेलाभूमि मजा उठाऊँ आउ पूजकों कहवा कथा जे यही मंदिर कहीं क्यों वर्ष क्यों पुरातन वर्ष रही आक अगस्त मुनि प्रतिष्ठा करते आउ गंजाम महुरी राजा यार लिंग स्थापन करते वंदे जगतो कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधर वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशंक बन्ही नयन वंदे मुकुंदं प्रिय वंदे भक्तं जनाश्रयं च वरदो वंदे शिवो शंकर वंदे शिवो शंकर। नमस्कार मु धवलेश्वर मंदिर पूजक विगत 10 वर्ष होलानी मु मंदिर सेवा कार्य नियोजित अच्छे मु आसुची नवे मसीह बाबा प्रति अतुट विश्वास अच्छी भगवान धवलेश्वर कृपार मु अति भल भगवान जहाँ मनस्कामना पूर्ण हुए ये विभिन्न प्रकार रोग समस्या दूर करने ये सब आसे प्रत्येक वर्ष मुझे आसी बाबा बाबा दर्शन कर मुक्ति लाभ पाए बाबा धवलेश्वर दर्शन करजक बहुत खुशी लगे आनुभूति लोकंर अच्छी आशा अच्छे कि जहाँकि आम ये विभिन्न प्रकार रोग कुष्ठ रोग किंवा जेकोसी रोग मानसिक रखती तार पुनरुद्धि उद्धार पाँच लोक मैंने ताकि आम बाबा समस्त विश्वास भरोसा अच्छे बाबा धवलेश्वर कृपार बाबा दर्शन मिलला ताको हमें समर्पित कर कहवा चाहूँ जी गोपा बर्तमान धवलेश्वर तो बहुत भिड़ कार्तिक मास रोचे मुझे दर्शन करमी गोपाल बीच मत बुले आसी देख लोक गहली भिड़ भड़े सब देखुची और लोक खुशी आनंद समुद्र गादा बाधा सब कर देखिपारे आँ कह पर्यटक मान समस्त गोपापुर आड़े आसिकी पुणी धवलेश्वर आस टूरीस्ट प्लेसटा आस बुलाबूरी कर समुद्र एंजय करी जेदेव कहते अनुरोध कर दर्शक मान तेब भक्त मान विश्वास बाबा धवलेश्वर निकट यहीपाई रही बाबा पादुका सेवन कले अनेक रोग मुक्ति मिलता है धला छऊ कुष्ठ रोग भाई रोग मुक्ति मिलता है तेणु भक्त मान विश्वास बढ़ी आहरी लोकों कहवा कथा हो जहाँ भक्त मैंने कहते जे यार चतुर्पार्श्वे रही समुद्र किंतु मझीरे जो ग्रामगुड़िक रही तार पा अत्यंत मधुर अटे से लोकंर एक प्रकार विश्वास बढ़ी चलते एवं यही विश्वास नहीं खाली गोलाबंधर नुह यार चतुर्पार्श्वर यार आखपाख अंचल सारा गंजाम जिलूर एपरिक यार पाखे रही आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश सीमार बहु भक्त यठाक आसुंच दर्शन कर बाबा सानिध्य लाभ करोपापुर एक पर्यटन स्थल एवं गोपापुर अति निकट में 7 किलोमीटर दूर मात्र 7 किलोमीटर दूर रही धवलेश्वर पीठ तेणु पर्यटक मैंने गोपापुर आसुंच धवलेश्वर बाबा धवलेश्वर को दर्शन करने सहित बेलाभूमि मजा उठाऊँ एवं आम समस्त पर्यटक मानक अनुरोध करूँ जो गोपापुर आसतु ब्रह्मपुर आसतु यार निकट में बाबा धवलेश्वर मंदिर को आसतु और बाबा दर्शन लाभ कर आशीर्वाद नियंतु आम आज कार्तिक पूर्णिमा आज जेहेतु कार्तिक मास द्वितीय सोमवार तेणु यही उपलक्षे समस्त जनसाधारण ओडिशार समस्त जनसाधारण विश्वर समस्त विश्ववासी मंगल कामना कर ब्रह्मपुर संजय कुमार विश्वाल रिपोर्ट खबर ओडिशा।